वेलकम टू गणित वाला वीजे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसके थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्ट्स जारी किया था। उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि 9th 10th और कॉम्पिटेटिव लेवल्स, मतलब मैंने बोला था कि छोटे बच्चे से लेकर बहुत बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम बिना बात को घुमाए हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए, ये हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ओके, तो आइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो हमने बताया कि जैसे आपको कोई भी, आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है उसका, हम अगर यूज़ जाने उसका प्रयोग हम अपनी लाइफ में कहाँ कर रहे हैं तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है ना। जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को पता है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं शारीरिक या मानसिक, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपने जीव, किसी भी जीव से जुड़ी कोई भी समस्या का आप निदान जीव विज्ञान पढ़ के उसकी उच्चतम से उच्चतम डिग्री प्राप्त करके आप उस कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ में संख्या पद्धति अगर आपको समझना है तो संख्या पद्धति का यूज कहाँ कहाँ है इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। संख्या पद्धति का यूज इस दुनिया में जो इंसान अनपढ़ है, जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी करता है। उसको पता नहीं कि हम इस पद्धति का यूज कर रहे हैं। तो संख्या पद्धति का यूज, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया, संख्या पद्धति लग गई, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर। और इसी प्रकार से जैसे कि आपने अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो आप तुरंत नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ गए हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं उनको पहले बताया जाता है कि हमारे जो है सिस्टम कितने हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, है ना। एक है मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला और एक नॉर्मल सिस्टम है। तो उन चीज़ों पर मैं ना जा करके सीधा सीधा बताया कि जो यूज़ आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की काउंटिंग करना एक नंबर सिस्टम के तहत आता है। तो हम अब आते हैं अपने लेवल पे। जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चे से लेके पूरी हायर मैथ तक है, तो छोटे बच्चे की कि नॉर्मल चीज़ें वो काउंट करता है, गिनता है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो नंबर सिस्टम अप्लाई हो गया वहाँ पे। इसी प्रकार से आप आइए नंबर सिस्टम का एक्चुअल में कहते क्या है डेफिनेशन पर जब आप आएंगे। समय को ना वेस्ट करते मैंने सब लिख दिया पहले से ही। देखिए, इट इज़ ए मेथड, ये एक मेथड है। कैसा? इट इज़ ए मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ये एक मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। किस पर? नंबर लाइन पर। ओके, ये एक मेथड है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? सेट ऑफ। सेट का मतलब समुच्चय होता है, इसको मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ तब बताऊँगा। सेट ऑफ सिम्बल्स, ओके, एंड रूल्स। कुछ निश्चित सिंबल से, कुछ निश्चित रूल की सहायता से नंबर लाइंस पर नंबर को रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यह संख्या पद्धति कहलाती है। तो अब बात आती है कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन को हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। आइए नंबर लाइन को हम समझते हैं यहां पर। तो नंबर लाइन संख्या रेखा होती है। नंबर लाइन को समझने के लिए आपको जानना है कि नंबर लाइन की लिमिट्स कहां से कहां तक हैं। तो नंबर लाइन की लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हैं। कुछ लोग अभी इनफाइनाइट को अगर ना जानते हो तो बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे 8 बनता है इसको जब आप, ये वर्टिकल फॉर्म में है, इसको जब आप हॉरिजॉन्टल में कर देंगे तो इसको इनफाइनाइट का सिंबल बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। अनंत को आपने पढ़ा हुआ है कि बड़े शब्द के लिए एक शब्द है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक अर्थी शब्द, तो जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत है। ओके, नंबर लाइन पर हम आगे और चर्चा करेंगे। देखिए कि ये बनता कैसे है नंबर लाइन होता क्या। तो सबसे पहले आप कोई भी लाइन कीजिए और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो अगर 0 हो तो इसका जो लेफ्ट साइड का होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा, माइनस अनंत, और इधर क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट होगा। ओके, अब इस 0 से लेकर के इस प्लस अनंत तक की जो भी संख्याएं होंगी उसको हम पॉजिटिव साइन में लिखेंगे, मतलब उसको हम धनात्मक में लेंगे, और जो 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होंगी उसको हम निगेटिव में लेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे आपसे कहा गया, जैसे ये 1 2 3 डॉट 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 प्लस साइन में है, ओके, ऐसे ये -1 -2 -3 इस प्रकार से है। आपसे अगर कहा गया कि आप कोई भी -1 से लेकर के
और 3 तक की लाइन को हाईलाइट करिए, तो क्या करेंगे आप माइनस वन ये है और 3 कहाँ है, प्लस 3 ये है, तो आप माइनस वन से लेकर के प्लस 3 की लाइन को हाईलाइट कर देंगे। हाँ, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक मिली, यहाँ तक मिली। इसी प्रकार से आपको अगर करना हो माइनस 3 से लेकर के 1 तक को करना हो, तो माइनस 3 कहाँ है, यहाँ है, और 1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये लाइन आप हाईलाइट करेंगे, मतलब ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिली। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर लाइन पर हम नंबर डिपेंड कर सकते हैं। अब नंबर लाइन की श्रेणी में आप अलग अलग प्रकार के नंबर का स्टडी आप आई करेंगे, टाइप ऑफ नंबर्स। आगे देखिए बताया कि हम टाइप ऑफ नंबर्स की स्टडी करेंगे, है ना, कितने प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं। तो पहला इसमें होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो नेचुरल से हमें प्राप्त होंगी, नेचुरल से प्राप्त करने का मतलब कि जो हमें एग्जैक्ट मिली। तो देखिए नेचुरल नंबर को हम पहली बात तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक, वे संख्याएं जो एक से लेकर के अनंत तक होती हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा मैं जो है नई बात क्या आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप जानकारी नहीं होगी, जैसे कि अभी जो सीटेट का जो अभी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, तो 2021 के एग्ज़ाम में अभी पूछा गया था कि हिंदू अरबिक नंबर के बारे में पूछा गया था। तो हिंदू अरबिक नंबर मतलब हिंदू अरबिक संख्या क्या होती है, तो हिंदू अरबिक नंबर ही काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर के 3 नाम हो गए, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और हिंदू अरबिक नंबर। ये हम इसमें जो है नया बताने वाले हैं। अगला दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है होल नंबर। होल नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ओके, होल नंबर्स क्या कहते हैं, होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो जो जो नेचुरल नंबर होता है उसको एन से प्रिंट करते हैं। अगर एन को, एन में हम 0 को ऐड कर दें, कहने का मतलब एन क्या होता है, एन हमारा है 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। अगर इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे, मतलब ये संख्या अगर 0 से अनंत तक होगी, तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 से अनंत तक के बीच की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और 1 से अनंत तक के बीच की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक आपको मिलता होगा ना खूब, जैसे मैक्सिमम मार्क से बोलते थे ना, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, रिजल्ट जब आता है उसे बताते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, तो कोई भी नंबर, इसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ए नंबर विथ नो डेसिमल और फंक्शनल वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव, क्या इंक्लूडिंग 0। ओके, क्या लिखा मैंने, ए नंबर विथ नो डेसिमल और फंक्शनल वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ निगेटिव एंड नहीं होगा ये और होगा और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से करते हैं डिनोट इंटीजर को। इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में निगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि इंटीजर का टाइप भी हो जाएगा। तो टाइप देखिए कैसे होगा, जैसे ये इंटीजर है ना, तो इंटीजर को हम 3 टाइम बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा हमारा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। तीसरा हमारा क्या होता है, 0 इंटीजर। ओके, तो इन तीनों, ये तीनों प्रकार से इंटीजर की हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, या इसको शून्यांक भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे आप देखिए आगे नंबर क्या है। तो आगे हम स्टडी करेंगे किसका, इवन नंबर, ऑड नंबर का। शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगला हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर को क्या कहते हैं, सम संख्या, है ना। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो दो से कट जाएं, मतलब हुज आर डिविजिबल बाई टू, वे संख्याएं जो दो से कट जाएं, और कैसे, कंप्लीटली, पूरी तरह से। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से कट जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल ई डिनोट करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को आप जानते होंगे, इसको कहते हैं विषम संख्या, है ना। इसको किस डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से, ओके, ओ से डिनोट करेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, हुज आर नॉट डिविजिबल बाई टू, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं हैं इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे 3, 5, 7, ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए क्या होता है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर को पहली बार तो कहते हैं क्या है, पता होना चाहिए आपको, कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या, ओके, भाज्य संख्या कहते हैं इसको। चलिए, तो इसमें क्या होगा, हुज हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे 2, 4, 9, 6, 8, 12, 14, 15, 19, दो के दो से अधिक फैक्टर हैं, चार के भी दो से अधिक फैक्टर हैं, है ना। इस प्रकार से इन सब के दो से अधिक फैक्टर हैं, लेकिन 19 का, आप देखिए 19 का दो से अधिक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये या तो 1 × 19 होगा या 19 × 1 होगा। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए क्या होता है, अगले नंबर में दो हैं। जैसे पहला तो एक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, तो हुज आर कंप्लीटली स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या का कंप्लीटली स्क्वायर होती हैं वे परफेक्ट स्क्वायर कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, 1, 4, 9, 25, ना, ऐसे ही 49, इस प्रकार की संख्याएं। ये किसका स्क्वायर है कंप्लीट, 2 का, ये किसका है 1 का, ये किसका है 9, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर है, इस प्रकार ये किसका है 7 का स्क्वायर है, ऐसे नंबर आपको आगे मिल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ, आगे देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, तो क्यूब में हम थोड़ा सा परिवर्तन करने वाले हैं बस। देखिए आप, वे संख्याएं जो कंप्लीटली परफेक्ट क्यूब नंबर, कंप्लीटली क्या हो, कंप्लीटली क्यूब ऑफ एनी नंबर, तो इसमें क्या हो जाएंगी, जैसे 1, भैया 1 तो 1 का क्यूब करे चाहे 1 पावर कितना भी कर दे 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब, 8 किसका है 2 का क्यूब है ना, 2 × 4, 2 × 8, ऐसे ही 27 किसका है 3 का है, 3 × 9, 3 × 27 ना, 3 × 9, 3 × 27, ऐसे ही 2 × 16 किसका होता है, 2 × 16 आपका होता है 6 का होता है, 6 × 36 = 216। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसकी परिभाषा बताने में और इसके बारे में बताने में लोग अक्सर
झिझकने लगते हैं। जैसे अगला हमारा है प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर का जस्ट अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ दो डिविजिबल हो, या तो वन से डिविजिबल हो या फिर वो खुद से डिविजिबल हो, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे देखिए यार, जैसे फाइव है, फाइव किससे डिविजिबल है? फाइव या तो फिर एक गुड़े पाँच होगा, पाँच एक गुड़े पाँच होगा, या फिर पाँच एकम पाँच होगा। इसके कितने हो गए? वन हो गया और फाइव हो गया। इसी प्रकार से थर्टीन के कितने हैं? इसका भी वन हो गया और थर्टीन हो गया, है ना। लेकिन अब बात आती है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो बताइए आप, क्या वन प्राइम नंबर है? नहीं। तो इसी टॉपिक पर वन प्राइम नंबर है कि नहीं और टू प्राइम नंबर है कि नहीं, इस टॉपिक पर आगे देखिए क्या बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बताने वाला। देखिए आप प्राइम नंबर में ही इसमें कुछ नोट पॉइंट में आपको मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट क्या है आपका, टू जो है, टू इज वनली नंबर विच इज प्राइम एंड इवन आल्सो। मतलब दो एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम भी है और सम भी है, और दो सबसे छोटी प्राकृत अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखिए आप, वन इज, वन क्या होता है? तो वन इज नो प्राइम, एक क्या है? अभाज्य नहीं है, नाइदर कंपोजिट, ना तो ये अभाज्य है और ना तो ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट क्या होता है, जब किसी, मैंने बताया पहले कि जब किसी भी संख्या के दो से ज़्यादा फैक्टर हों, इसका सिर्फ एक फैक्टर है वन इंटू वन, और या तो फिर वन हो, क्या हो प्राइम में, वन हो या इटसेल्फ हो, तो वही बात हुई, तो वन इज नॉट प्राइम नॉर जो है कंपोजिट। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पर चलते हैं, प्राइम नंबर से कंपटीशन लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप थोड़ा ध्यान देखिए, प्राइम नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपोजिट में। जैसे पूछता है कि एक से पचास तक की अभाज्य संख्याएं बताइए, ऐसे आपसे पूछा, एक से पचास तक की अभाज्य संख्याएं बताइए, तो क्या करेंगे आप? काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या होता है, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस, उनतीस है, इकतीस सैंतीस और इकतालीस तिरालीस सैंतालीस, है ना, ये तक तो आएगा। तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, कुल कितने नंबर हो गए ये? ये टोटल आपके नंबर कितने हो गए? पंद्रह। पंद्रह कहाँ से कहाँ तक के आ गए? एक से पचास तक के। एक से पचास तक कितने बार संख्या हो गई? पंद्रह। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि पचास से सौ तक के बताइए, तो क्या करेंगे आप? तो पचास सौ तक बहुत कम होता है, देखिए क्या होता है, तिरपन उनसठ इकसठ सड़सठ इकहत्तर तिहत्तर उन्यासी तिरासी नवासी और सत्तानवे। देख कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, तो कितने हो गए? दस हो गए। तो एक से पचास तक कितने हो गए? पंद्रह हो गए, और पचास सौ तक कितने हो गए? दस हो गए। तो आप बताइए कि एक से लेकर सौ तक कितने हो गए? तो पंद्रह प्लस दस कितने हो गए? पच्चीस हो गए। मतलब एक से लेकर सौ तक कुल पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये तो था, अब इसमें प्राइम नंबर से ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में आ सकते हैं पूछने के लिए, इसीलिए मैंने बताया था कि छोटे बच्चे से लेकर के और जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षक तैयारी करते हैं उन सब के लिए ये उपयोगी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं एक थोड़ा सा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, शायद आपको पता भी हो, और इस क्वेश्चन का जवाब उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, नहीं कि कैसे करेंगे, कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया दो होती है, मैंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है बताया कि सबसे छोटी क्या है? दो है, ये तो फिक्स है कि दो होती है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लेकिन सबसे बड़ी क्या होती है? तो भैया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका जवाब सिर्फ एक आदमी पता है। किसको पता है पता है? उसका जवाब इसको पता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ बोर्ड पे, दिख रहा है आपको? कंफ्यूज मत होइए, मैंने जो लिखा है वही इसी जवाब पता है। रजनीकांत को सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का जवाब पता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। कैसे पता है पता है आपको? देखिए आपने देखी होगी क्योंकि इसको सब कुछ पता है, आपने देखी होगी एक मूवी आई है बहुत पहले की है रोबोट, ओनली रोबोट की बात कर रहे हैं। एडवांस आप लोग हैं रोबोट 2.0 मत जाइएगा, ठीक है? रोबोट की बात कर रहा हूँ। आप इस मूवी में जब देखेंगे, जब इसमें रजनीकांत से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो उसका जवाब देता है वहाँ पे। अब आप लोग मूवी देखिएगा तब यहाँ कमेंट करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग रोबोट मूवी देख के रजनीकांत ने क्या बताया सबसे बड़ी प्राइम संख्या, आप उसको बताइएगा। गूगल मत सर्च करिएगा, क्योंकि जो उसने बताया वही आप कमेंट में करिएगा, तभी मैं जानूंगा कि आपने जो है देखा है इसको, ठीक है? बहुत ही इंटेलिजेंट मूवी है ये, आप इसको ज़रूर देखिए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ वेरी गुड मूवी फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। चलिए तो इसका जवाब आप देंगे बिगेस्ट प्राइम नंबर का, तो इसको क्या करेंगे आप? इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है? इसका आंसर इस मूवी को देख के आप रोबोट को कमेंट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखिए नंबर सिस्टम में आगे कौन सा नंबर पढ़ना है? आगे आपको पढ़ना है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य, को का मतलब सह, सह अभाज्य संख्या, ओके? देख क्या होता है, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ जिनका मात्रा क्या हो, एडिशन ऑफ टू नंबर्स विच हैज HCF, HCF का मतलब क्या होता है पता है आपको? मासा, महत्तम समापवर्तक, HCF मासा, क्या हो इसका मासा? वन। ऐसी दो संख्याओं का एड जिनका HCF वन हो, उन संख्याओं को हम को प्राइम संख्याएं कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे दो और सात, तो दो और सात का जब आप HCF लेंगे तो क्या मिलेगा? वन है ना, एक ही है जो दोनों कॉमन है, तो वन मिलेगा, ठीक है? अगर वन मिल गया तो ये क्या है? ये को प्राइम है। इसी प्रकार से एक और पाँच का आप लेंगे तो ये भी वन मिलेगा, ये को प्राइम है ना? इसी प्रकार से आप चौबीस और तेईस का लेंगे तो ये भी वन मिलेगा। कैसे मिलेगा पता है ना? दोनों में सिर्फ एक ही है जो कि दोनों कॉमन है। इसी प्रकार से आप जब लेंगे बारह और सत्ताईस का, तो आप देखिए कि एक से तो होता है या तीन से भी होता है, तीन चौक बारह, तीन नौ सत्ताईस, तो ये क्या है? इसमें एक में मिल रहा है, तीन भी मिल रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें सिर्फ HCF वन हो, तो एक और तीन है इसलिए ये हमारा को प्राइम नहीं है। इस प्रकार से हम को प्राइम को समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आप आगे देखिए कौन सा नंबर है। आगे इसमें बताने वाला हूँ कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होता चलेगा। ट्विन प्राइम, TWIN बोलते हैं ट्विन प्राइम, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं द्विक अभाज्य, है ना? द्विक अभाज्य क्या होती है? देखिए टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना? लेकिन इसको आप एग्जांपल समझेंगे कैसे? जैसे लिखा है तीन और पाँच, है ना? तीन और पाँच क्या है आपस में? ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और तीन के बाद पाँच ही आता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार क्रमशः से है, तीन और पाँच है, तो तीन और पाँच ट्विन प्राइम है कि नहीं कैसे करेंगे? तो इसमें इसका सर्टिफिकेट पाँच माइनस तीन कितना मिला आपको? दो मिला, तो मतलब ये ट्विन प्राइम है। मतलब कोई भी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर क्या हो, दो हो, तो उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। इसी प्रकार से
आप देखिए जैसे 5 और 7 है तो इसमें क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, ये भी ट्विन प्राइम है। इसी प्रकार से जैसे 11 और 13 है ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 11 ये कितना है, ये भी 2 है ना। ये सब क्या है बताइए, जैसे 2 पेयर्स लिया जाता है अभाज्य संख्याओं का, उनके बीच का अंतर अगर 2 है तो ट्विन प्राइम है। जैसे अगर आपको कहा गया है कि 6 और 8 क्या ये ट्विन प्राइम है, तो 8 माइनस 6 करने पे ये 2 तो मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में ही अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों क्या है सम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से ट्विन प्राइम को आप चेक कर सकते हैं। अब ट्विन प्राइम से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है कि 1 से 100 तक दिक् अभाज्य कितने होते हैं, 1 से 100 तक कितने द्विभाग अभाज्य होते हैं, तो कितने होते हैं देखिएगा 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77 ठीक है 71 और 73। इसके बाद कोई भी ट्विन प्राइम आपको नहीं मिलता है, तो कितने मिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कुल कितने ट्विन प्राइम मिले 8। तो हमारे 1 से 100 तक के बीच द्विगभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 8 होती है, मतलब 8 जोड़ा हमको मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ट्विन प्राइम से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर हो सकता है 1 से 100 तक कह रहा है तो उसमें हो सकता है बोल दे कि 1 से 50 तक बताइए, अगर 1 से 50 तक बोलेगा तब कितने मिलेंगे, आप ध्यान देखिएगा 1 से 50 तक कितने होते हैं इतने होंगे, तो 1 से 50 तक कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे, और 51 से 100 तक कितने हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 होते हैं, 51 से 100 तक 2 होते हैं, 6 × 2 = 8, टोटल ये 8 हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, अब अगला हमारा टॉपिक इसमें है, अगला नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो मेरा तरीका वही है कि पहले रेशनल को हम समझे, रेशनल आया कहां से है, तो रेशनल को ऐसे लिखते हैं देखिएगा रेशनल, तो रेशनल रेशियो वर्ड से आया है, रेशियो का मतलब क्या होता है अनुपात होता है, ठीक है। और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, तो क्यू क्यों क्यों लिया गया है, क्यू इसलिए लिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चेंट होता है ना, ठीक है। तो रेशनल नंबर रेशियो से आया है और क्यू से डिनोट करते हैं, क्वेश्चेंट की का फर्स्ट लेटर है इस वजह से। आगे देखिए इसमें क्या है, रेशनल नंबर कहते किसको हैं, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको कि हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, और जहां पर क्यू क्या हो 0 ना हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सके जहां क्यू 0 ना हो, उस संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि 1/2 रेशनल है, तो बिल्कुल रेशनल है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। लेकिन आपसे अगर पूछा गया कि -25 रेशनल है, तो आप सोचेंगे पता नहीं है कि नहीं है, तो भैया ये भी रेशनल है। कैसे कि हम -25 को लिख सकते हैं -25/1, तो ये भी पी बटे क्यू के फॉर्म में हो गया है, ओके। जैसे 2 इज रेशनल, यस 2 इज आल्सो रेशनल, 2/1 ये भी पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा चुका है। तो ये सब रेशनल नंबर होते हैं, ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू 0 ना हो, वो परिमेय संख्या होती है। अब आगे बात आती है कि परिमेय तो हो गया, अब परिमेय क्या होता है, तो देखिएगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए ए नंबर विच इज नॉट रेशनल, ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो वही अपरिमेय होती है, ठीक है। ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होती है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नोट में बता रहा हूं कि एवरी होल नंबर, पहला पॉइंट है एवरी होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एवरी रेशनल नंबर क्या होता है,
इंटीजर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमें कोई भी दो रेशनल नंबर दिया गया है, मतलब देयर आर मेनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई दो रेशनल नंबर दिए गए हैं R1 और R2, तो इसके बीच अनंत रेशनल नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है। देखिए, अब आपने पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा पाइथागोरस का। देखिए, पाइथागोरस ने ये प्रूव कर दिया, इन्होंने प्रूव किया कि जो अंडर रूट टू होता है ये क्या होता है, इरेशनल होता है। अंडर रूट टू इरेशनल होता है। ठीक है, तो जब इन्होंने बताया कि अंडर रूट टू इरेशनल होता है, तो जैसे कहते हैं कोई अगर शुरू कर दिया पीछे पीछे बताने वाले बहुत लोग होते हैं, वैसे ही। तो उसके बाद थियोडोरस और साइरेने आए और इन्होंने भी प्रूफ कर दिया। देखिए क्या क्या प्रूफ किया इन्होंने, बहुत नकल कर दी उनकी, पाइथागोरस की। √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 और √17। इन्होंने बताया कि ये सर के सर क्या होते हैं, ये सर के सर इरेशनल होते हैं, है ना। तो अब आपको अंडर रूट टू अगर इरेशनल है तो भैया इसके बारे में समझिए कैसे, तो इसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। देखिए, शो करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब इसका क्वेश्चन कहाँ आता है, तो कक्षा 9 जो है, क्लास 9, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि रूट टू को रेशनल और नंबर लाइन पर दिखाइए। तो लिखिए आप √2 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, हमने एक नंबर लाइन खींच दी, ये 0 हो गया, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3। तो हमें √2 को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पॉइंट को A मान लेंगे। ठीक है, तो 0 से A के बीच आप इसको मैच करा देंगे, और यहाँ क्या है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ये O है। ओके, तो आपको ऐसे पता है कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √1+1, है ना। तो इसको डायगोनल को यहाँ मिला लीजिए त्रिभुज को, ये क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री। अब ये 1 है, ये 1 है, तो एक और एक का स्क्वायर पाइथागोरस ने प्रूव किया। कैसे किया है रेशनल, कि उन्होंने बताया ना क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मतलब लंब और आधार ये है, तो मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, मतलब 1 + 1, इधर के स्क्वायर है, तो कितना हो गया √2। तो ये लाइन कितनी हो गई, √2। इस प्रकार से √2 क्या है, रेशनल नंबर है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए अब इसी के क्रम में आप आगे देखिए, एक तो संख्याएं और बची हुई हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपका पूरा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नंबर सिस्टम में इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं, ध्यान देखिएगा, जितने भी रेशनल नंबर हैं उसमें अगर सभी प्रकार के इरेशनल्स को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। ठीक है, मतलब रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और एक बात आप जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको 9 से लेके पूरा हाइयर तक मिलेगा, कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द बिगेस्ट सेट इन होल यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई समुच्चय है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसी के लिए इसमें एक पॉइंट और आप जानते रहिए, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट संख्या बची हुई है, चूंकि रियल की बात हो गई, वास्तविक की बात हो गई, तो आभासी की बात भी होनी चाहिए। आभासी का मतलब इमेजिनरी की बात भी होनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर्स, है ना। इमेजिनरी से एक और संख्या आ जाती है, सममित संख्या, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो क्या होगा, एन इमेजिनरी नंबर
कोई भी अगर इमेजिनरी नंबर है इज ए रियल नंबर मल्टीप्लाइज बाय इमेजिनरी यूनिट आई। कोई भी रियल नंबर में अगर हम इमेजिनरी यूनिट आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वास्तविक संख्या बन जाती है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे 5 है, 5 क्या है, मैंने बोला आज नंबर था रियल नंबर, तो 5 क्या है, वास्तविक संख्या है, इसमें अगर आई का मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा, 5 आई मिल जाएगा। ऐसे ही 7 है तो ये 7 आई हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब के सब इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये चीज कह सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और देखिए इमेजिनरी नंबर में, क्या देखेंगे आप, व्हेन इमेजिनरी नंबर स्क्वायर्स, जब भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर किया जाता है देन इट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। जब भी किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर किया गया तो वो हमेशा क्या देती है, नेगेटिव रिजल्ट देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब वास्तविक संख्याओं का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो वास्तविक संख्याओं का यूज हमारे डेली लाइफ में कई जगह होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है, द्विघात समीकरण में होता है, एडवांस कैलकुलस में होता है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे यूज होते हैं। तो आज मैंने आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का क्लियर कर दिया है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Okay, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, है ना। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो मेरा पूरा वीडियो देखा। और मेरा ये मानना है कि किसी भी जब भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हमें क्वेश्चंस लगाने में आसानी नहीं होती। आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कराया, क्यों नहीं कराया है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे तो वो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये सब सॉल्व करवा रहे हैं। तो उनका टारगेट है आंसर लाना, मेरा टारगेट आंसर लाना नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि आपके अंदर वो एबिलिटी ला दी जाए कि आप क्वेश्चन का आंसर खुद से ला दें, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आपको थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम में कहीं कुछ नहीं बचता है। इसी पर बेसिक पूरी कॉम्पिटेटिव मैथ है, पूरी 9th-10th की मैथ है, पूरी की पूरी आधारशिला गणित की यहीं से रखी गई है, ठीक है। तो आप एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो है बाद में एक क्वेश्चन जो पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका जवाब कहाँ मिलेगा, रोबोट मूवी मिलेगा, रजनीकांत को पता है, ठीक है। उस मूवी को आप देखिए और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि उन्होंने वहाँ पे क्या जवाब दिया है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट तो दो है लेकिन बिगेस्ट कौन सी है, इसका आप जवाब वहाँ दीजिए, ओके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पूरा पसंद आया हो, मैंने कमिटमेंट किया था कि 35 से 40 मिनट बीच बना दूंगा, मेरी उम्मीद है कि अभी 40 मिनट नहीं हुआ होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि ऐसा वीडियो आपको, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर मैं पहली बार देने का प्रयास कर रहा हूँ। बोर्ड मेरा अभी भी नहीं आया है, आ जाएगा तो और भी व्यवस्थाएँ कर लूँगा। चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।